नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए। सेंधवा SDM द्वारा दावल बेड़ी क्षेत्र के एक बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें क्लिनिक पर एक मरीज की स्लाइन चढ़ते पाई गई। वहीं कई प्रकार की बड़ी संख्या एलोपैथिक दवाइयां, स्लाइन बॉटल, इंजेक्शन आदि बड़ी मात्रा में रैक, फ्रिज, पलंग के नीचे एवं कमरों में भरी पाई गई मिली, जिसके बाद ADA मद द्वारा BMO को फोन कर सूचना दी गई। BMO एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचे एवं दवाइयों के नमूने लिए तथा HCM द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई। SDM घनश्याम धनगर शुक्रवार को शहर स्थित श्रम विद्यालय के मुख्य कार्यालयों के पतों का निरीक्षण करने के लिए निकले थे। दावल बेड़ी स्थित एक NGO के श्रम विद्यालय की जांच कर लौटने के दौरान SDM धनगर ने एक बंगाली डॉक्टर को एक मरीज की जांच करते देखा। SDM अपने वाहन से उतरे और सीधे डॉक्टर बिंची विश्वास के पास पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर के कुर्सी के पीछे एक महिला मरीज को स्लाइन लगी हुई थी, वहीं टेबल पर 3 से 4 मरीज बैठे दिखे। SDM घनश्याम धनगर शुक्रवार को शहर स्थित श्रम विद्यालय के मुख्य कार्यालयों के पतों का निरीक्षण करने के लिए निकले थे। दावल बेड़ी स्थित एक NGO के श्रम विद्यालय की जांच कर लौटने के दौरान SDM धनगर ने एक बंगाली डॉक्टर को एक मरीज की जांच करते देखा। SDM अपने वाहन से उतरे और सीधे डॉक्टर बिंची विश्वास के पास पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर के कुर्सी के पीछे एक महिला मरीज को स्लाइन लगी हुई थी, वहीं टेबल पर 3 से 4 मरीज बैठे दिखे। निर्देश हुए थे बाल श्रम के द्वारा जो विशेष रूप से संचालित विद्यालय है उनका निरीक्षण करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, उसी के तहत स्कूलों का निरीक्षण किया गया। तो क्या पाया गया इसमें? इसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई है, जैसे कि वहाँ पे जो शिक्षक थे 2 में से 1 शिक्षक अनुपस्थित थे, साथ ही उपस्थिति रजिस्टर में 19 बच्चों के जो हस्ताक्षर थे 30 में से उपस्थिति थी, लेकिन फिजिकली रूप से वहाँ पे 3 बच्चे ही उपस्थित थे। ये किसका दवा खाने पे आया? हाँ? कौन सा डॉक्टर है ये? क्या हो गया था आपको? क्या बुखार था? क्या हुआ, इंजेक्शन वगैरह कुछ लगा, इलाज करा? हाँ। क्या कर क्या दिया? बाटल चढ़ाई अभी और फिर गोली दवा लेगा। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह लगाए? हाँ। कितने इंजेक्शन लगाए? अभी नहीं लगाया, अभी सिर्फ बाटल चढ़ाई।